Good morning, students. In last video, we will study about the frame of references, motion in one dimension, motion in two dimension, and motion in three dimensions. And we will also study about the two physical quantities, scalar and vector quantities. Now, we will discuss the topic of distance and displacement related to the motion. Distance and displacement. Displacement. First of all, what is distance? Distance डिस्टेंस जो होती है बेटा, डिस्टेंस को हम पहले एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों के पास क्लियर करते हैं डिस्टेंस ट्रेवल को. लेट अस कंसीडर, मैंने आपके पास एक आप लोगों के पास एक ऑब्जेक्ट का एक पाथ दिखाया. ऑब्जेक्ट जो है ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है और बी पॉइंट पे पहुंच रहा है, और ये आप लोगों के पास क्या है, एक पाथ है. तो हो सकता है कि ऑब्जेक्ट ए से और बी पे डायरेक्ट यहां से भी जा सकता है, और ए से आप लोगों के पास पी के थ्रू आउट भी आप लोगों के पास बी के ऊपर रीच कर सकता है. तो मींस व्हाट इज डिस्टेंस और पाथ लेंथ. द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन इज नोन एज डिस्टेंस ट्रेवल. तो और डिफरेंट पाथ डिफरेंट मे बी डिस्टेंसेस. फॉर एग्जाम्पल, हेयर ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स टू पाथ ए टू बी, देन द डिस्टेंस ए बी. द पाथ ए टू बी एंड पी टू बी, देन द डिस्टेंस इज ए पी प्लस पी बी. तो व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस के बारे में लिखेंगे. व्हाट इज डिस्टेंस के बारे में बताएंगे तो लिखेंगे द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, द एक्चुअल लेंथ ऑफ द path between two points, between two points is known as distance, is known as a distance. It is denoted by letter, it is denoted by लेटर एस. किससे डिनोट करते हैं हम, एस लेटर से डिनोट करते हैं डिस्टेंस जो आप लोगों के पास है. फॉर एग्जांपल, अगर मैं आप लोगों के पास बोलूं ए ऑब्जेक्ट गोज फ्रॉम पॉइंट ए टू point P and then goes from point P to B, then what is the distance traveled by an object. तो total distance क्या होगी, distance is equal to किसके बराबर आ जाएगी, A to B के in between जो distance होगी वो किसके बराबर आ जाएगी, AP plus PP, that is the distance traveled by an object. Means actual path आप लोगों के पास जो है actual length जो होती है path की, जैसे यहाँ से A से B गया, P गया, और P से फिर कहाँ पे आ गया, B पे आ गया. तो means ये distance travel की और ये distance, तो actual path क्या था उसका, A से P पे जाना और P से वापस B पे आना आप लोगों के पास. तो actual distance कितनी, actual path क्या हो गया, AP plus PP. अब हम बात करते हैं इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है आप लोगों के पास, यूनिट ऑफ डिस्टेंस. डिस्टेंस की जो ऐसा यूनिट होती है आप लोगों के पास वो क्या होती है, मीटर. यूनिट ऑफ डिस्टेंस, जो ऐसा यूनिट होती है, ऐसा यूनिट of distance is meter. meter को हम m से represent करते हैं. CGS system में जो unit होती है वो बेटा आप लोगों के पास होती है centimeter.
और सेंटीमीटर को सी एम से रिप्रेजेंट करते हैं। बिगेस्ट यूनिट भी होती है जिसको हम लोगों के पास क्या बोलेंगे, किलोमीटर। किलोमीटर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, के एम से रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोगों के पास डिस्टेंस जो है याद रखना, आप लोगों के पास एक स्पेशल आप लोगों को एक इंस्ट्रक्शन है, किसी भी ऑब्जेक्ट ने जो डिस्टेंस ट्रेवल की है वो कभी भी नेवर बी जीरो। तो आप लोगों के पास एक स्पेशल नोट है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट नेवर बी जीरो, नेवर बी जीरो। कभी भी डिस्टेंस ट्रेवल जो होगी वो क्या नहीं होगी आप लोगों के पास, याद रखना कभी भी डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो जीरो नहीं होगी। और डिस्टेंस जो है ये भी याद रखना, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। मैंने आपका लास्ट लेक्चर में अपने में बताया था आप लोगों को कि जो स्केलर क्वांटिटी, किन क्वांटिटीज को स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन का कोई रोल ना हो। यहाँ सिर्फ आप लोगों के पास जो है वो सिर्फ और सिर्फ वैल्यू आप लोगों के पास कैलकुलेट करेंगे, इसलिए डिस्टेंस को हम किस में रखते हैं, स्केलर क्वांटिटी के अंदर काउंट करते हैं। मैं आपको स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में पहले ही बता चुका हूँ। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? अब इसी केस के अंदर आप लोगों के पास मैं आपको डिस्प्लेसमेंट पे लेके चल रहा हूँ कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। The shortest distance between two points, जो displacement है, displacement जिसको हम लोग S से represent करते हैं, S vector से, क्या लिखेंगे? The shortest distance between two points is known as displacement. It is a vector quantity. कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसके अंदर मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होती है, डायरेक्शन भी बेटा गिवन होती है, इसलिए इसको कैसी क्वांटिटी के अंदर लेते हैं हम लोग, वेक्टर क्वांटिटी के अंदर लेते हैं। इसकी जो यूनिट की बात करें हम लोग, यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट की यूनिट सेम एज द डिस्टेंस, ऐसा यूनिट जो होती है ऑफ डिस्प्लेसमेंट वो भी क्या होती है आप लोगों के पास, मीटर होती है। क्या होती है? मीटर। और मीटर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एम से। सीजीएस में सेंटीमीटर होती है आप लोगों के पास, और बिगेस्ट यूनिट किलोमीटर के अंदर भी मेजरमेंट करते हैं। अभी जैसे आप लोगों के पास मैंने लास्ट एक एग्जांपल आपके सामने रिप्रेजेंट किया कि एक ऑब्जेक्ट है वो एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट पी है। तो यहां अगर बात की जाए कि इस ऑब्जेक्ट का ए से बी तक जाने में डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो देखो बेटा ए से बी ये वो स्ट्रेट पाथ है, शॉर्टेस्ट पाथ है जहां वो डायरेक्ट ए से बी पे जा सकता है। और ये आप लोगों के पास ये पाथ भी है बट ये लॉन्गेस्ट पाथ है और सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है वो ए टू बी है, इसलिए जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा आप लोगों के पास, ए टू बी का आप लोगों के पास जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो ए से बी के बीच की जो भी डिस्टेंस है वो शॉर्टेस्ट आप लोगों के पास डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगी। कि ए प्लस बी आप लोगों के पास जो भी वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल ये 5 मीटर है, 10 मीटर है, जो भी वैल्यू आपके पास गिवन है वो उसके डिस्प्लेसमेंट के इक्वल आएगी। तो अब हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को एक एग्जांपल के थ्रू क्लियर करते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिया कि एक ऑब्जेक्ट है वो एक सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा है, फॉर एग्जांपल ये एक एग्जांपल मैंने आपके सामने ड्रॉ कर दिया
ये एक ऑब्जेक्ट है और ये सेंटर पॉइंट है जिसको ओरिजिन बोलते हैं, ये डिस्टेंस जिसको रेडियस का नाम देते हैं हम लोग, रेडियस ये मैंने यहां से और यहां तक की डिस्टेंस को 7 मीटर मान लिया और मैंने बोला कि ऑब्जेक्ट ने ए से चलना स्टार्ट किया और आप लोगों के पास वो रोटेट करते करते दोबारा से घूमते हुए ये मान लिया बी पॉइंट है, ए से पहले बी पे गया और बी से आप लोगों के पास अगेन किसके ऊपर आ गया, ए के ऊपर अगेन पहुंच गया। तो उस केस के अंदर ए से चलना स्टार्ट किया और ए के ऊपर ही वापस आप लोगों के पास दोबारा से आ गया, तो उस केस के अंदर आप लोगों को डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों चीजें कैलकुलेट करनी है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों चीजें कैलकुलेट करनी है। तो उस केस के अंदर डिस्टेंस सर्कल के केस में याद रखना जो डिस्टेंस होती है वो सर्क्यूमफेरेंस ऑफ द सर्कल के बराबर होती है और सर्क्यूमफेरेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है 2πr होता है। तो यहां आप लोगों के पास डिस्टेंस जो होती है वो किसके बराबर होती है, सर्क्यूमफेरेंस ऑफ द सर्कल के इक्वल होती है और सर्क्यूमफेरेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला आप लोगों के पास क्या है 2πr है। और डिस्प्लेसमेंट याद रखना, डिस्प्लेसमेंट के केस के अंदर आप लोगों को स्पेशल एक नोट बताता हूं, अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन, इफ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेम, अगर सेम हो तो उस केस के अंदर याद रखना बेटा डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या मिलेगा, जीरो। डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या मिलेगा आप लोगों के पास, उसकी वैल्यू डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, जीरो। क्योंकि अगर यहां भी यहां इस केस के अंदर इसी एग्जांपल के अंदर डिस्टेंस तो किसके बराबर आ गई 2πr, हम वैल्यू निकाल सकते हैं 2π की वैल्यू होती है 22/7 और r की वैल्यू ऑलरेडी 7 दे रखी है, तो अगर हम लोग डिस्टेंस निकालें तो कितनी आ गई आप लोगों के पास 44 मीटर के नियर बाय आप लोगों के पास एग्जैक्टली 44 मीटर आ गई। बट अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट ये क्या निकाली हम लोगों ने, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी आई हमारे पास आप लोगों के पास, और इसी एग्जांपल का अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालूं तो मेरे पास बेटा डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी आ गई आप लोगों के पास, जीरो आ गई। कितनी आ गई, जीरो, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है, सेम है। आगे फर्दर न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, अभी मैं इन दोनों क्वांटिटीज जो मैंने बताई है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इनके बीच में कुछ आपको डिफरेंस बताता हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। और एक स्पेशल याद रखना, डिस्टेंस जो होती है, एक स्पेशल पॉइंट और भी है कि डिस्टेंस जो ट्रेवल होती है आप लोगों के पास वो कभी भी आप लोगों के पास जो डिस्प्लेसमेंट है उसके इक्वल तो हो सकती है बट उसके उससे कभी भी आप डिस्प्लेसमेंट से कभी भी वैल्यू कम नहीं हो सकती। हमेशा याद रखना डिस्टेंस जो होगी, डिस्टेंस is always greater than or equal to किसके बराबर होती है, displacement के equal होती है। कभी कोई आप लोगों के पास confusion, distance displacement के बराबर तो हो सकती है, कब, जब आप लोगों के पास object straight line path के अंदर move कर रहा हो, but हमेशा याद रखना distance हमेशा greater than मिलेगी displacement से, इक्वल भी हो सकती है, इक्वल कब हो सकता है आप लोगों के पास, जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ के अंदर मूव कर रहा हो। एक छोटी सी टर्म और है, ओडोमीटर। हर व्हीकल के अंदर एक डिवाइस लगी होती है जो उसके अंदर डिस्टेंस ट्रेवल को मेजरमेंट करती है, एक स्पीडोमीटर भी होता है जो स्पीड को मेजरमेंट करता है, वो फर्दर नेक्स्ट टॉपिक में हम स्टडी करेंगे। ओडोमीटर, ओडोमीटर क्या होती है, ए डिवाइस which is used to measure the distance travel। उस डिवाइस का नाम क्या है आप लोगों के पास, ओडोमीटर। वो डिवाइस आप लोगों के पास जो डिस्टेंस ट्रेवल को मेजरमेंट करने के लिए यूज की जाती है उस डिवाइस का नाम होता है ओडोमीटर। अब हम लोग दोनों पॉइंट्स
इन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में आप लोगों के पास दोनों पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस को हम लोग एक बार जरा डिस्कस कर लेते हैं। तो व्हाट इज डिस्टेंस, एक तरफ हम लोगों ने डिस्टेंस के लिए कॉलम बना लिया और एक तरफ हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट के लिए कॉलम बना लिया, डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों के बीच में 3-4 मिनिमम डिफरेंसेस हैं। क्या क्या डिफरेंसेस हैं? सबसे पहले लिखेंगे द एक्चुअल पाथ लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करें तो हम लोग द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। सेकेंड पॉइंट, ये कैसी क्वांटिटी है बेटा? स्केलर क्वांटिटी। और ये बेटा आप लोगों के पास क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? एक स्केलर क्वांटिटी है और एक कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस जो होती है, डिस्टेंस नेवर बी जीरो, बट डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल क्या हो सकती है? डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? मे बी जीरो। कब हो सकता है जीरो? जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन, फॉर एग्जांपल एक बॉल को मैंने ऊपर थ्रोन किया और फिर दोबारा से कैच कर लिया, तो उस केस के अंदर उसकी इनिशियल पोजीशन भी यही थी, फाइनल पोजीशन भी यही थी, तो उस केस के अंदर उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमेशा कितना आएगा? जीरो आएगा। फोर्थ पॉइंट, डिस्टेंस ट्रेवल इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस ट्रेवल इज ऑलवेज कैसा होता है भाई? पॉजिटिव होता है। और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो आप लोगों के पास नेगेटिव भी हो सकता है और कैसा हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है। लास्ट पॉइंट, डिस्टेंस ऑलवेज greater than or equal to displacement। और इस केस के अंदर याद रखना, displacement always less or equal to distance। Thank you. In next video we will study numericals on the topic of distance and displacement.